तो दोस्तों अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया चीन के खिलाफ, बहुत जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सबको उम्मीद थी कि सिर्फ ज़्यादा आलोचना हो कर सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने आखिरकार प्रतिबंध थोप दिए हैं चीन पर, लगाए हैं और भयंकर प्रतिबंध है। प्रतिबंध कैसे हैं ये मैं बताऊंगा, किस किस चीज़ पर लगेंगे और भारत के लिए कितना बेनिफिशियरी है। भारत को बैठे बिठाए एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया है जी, अगर भारत इसे सही समय पर लपक लेता है तो। दरअसल आपको बताऊं कि अमेरिका की जो लोकसभा कहते हैं, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है इस तरह, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक विधेयक पास किया है कल शाम 7 से 8 बजे के बीच ये पास हुआ है। इस विधेयक में चीनी सरकार के जितने भी आदमी हैं उन सब पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा जितने पोलिट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जितने पोलिट ब्यूरो के जो सदस्य हैं सब पर प्रतिबंध की बात कही गई है। इसके अलावा और किस चीज़ पर आपको बता दूं कि ये पोलिट ब्यूरो वाला जानबूझ कर रखे गया है, क्योंकि उनकी जितने भी बिजनेस टॉप बिजनेस जैसे कि जितने भी कंपनीज हैं उनके जो सीईओ होते हैं सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही रिलेटेड होते हैं, तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसके अलावा भारत के लिए बहुत बेनिफिश है, क्योंकि चीन के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन पर प्रतिबंध लगेंगे, जितनी टॉप कंपनीज हैं उनके लीडरशिप पर भी प्रतिबंध लगेंगे, तो भारत के लिए तो बेनिफिट होने वाला है। आपको बताऊं कि अब इसे जो विधेयक है इसे भेजा जाएगा ऊपर, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वहाँ पर होती है, सीनेट के उस ऊपर सदन में इसे भेजा जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे और ये लागू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए तो अब मान के चलिए कि यूनाइटेड नेशन भी प्रतिबंध लगाएगा। यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंध यानी पूरी दुनिया के प्रतिबंध अब अमेरिका के साथ साथ लागू होंगे चीन पर भयंकर तरीके से। और आपको बता दूं कि चीन में स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया, जैसी ये खबरें आई किसी को उम्मीद नहीं थी, अचानक से ये प्रस्ताव लाया गया। और अमेरिका जो पहले से ही एक तरीके से हार्ड हिट कर रहा था चाइना को आर्थिक मोर्चे पर, अब उसने राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी एक तरीके से हार्ड हिट किया चाइना को। और किस मुद्दे पर किया गया, हांगकांग जी नहीं, उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर। हांगकांग के मुद्दे पर पहले ही एक विधेयक मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि वो पारित हो चुका था, वो इतना बड़ा खास नहीं था, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें थी कि जैसे कि अगर कोई पुलिस के जो जैसे कि आंसू गैस के गोले होते हैं या फिर रबर जो बुलेट्स होते हैं वे नहीं बेची जाएंगी चीन को, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीके से प्रस्ताव है जो लाया गया है। और इसे दुनिया भर में एक बड़ा स्टेप देखा जा रहा है अमेरिका का चीन के खिलाफ, और चीन में इसकी भयंकर, चीन भी इसकी आलोचना कर रहा है। आप जो जितनी चीनी अखबार है वो भी देख सकते हैं किस कैसे इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप उनकी जो एक जो जिस हिसाब से भड़काऊ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कितनी बुरी चीज़ है चीन के लिए। और चीन को सबक मिल गया है जी हाँ, जो चीन एक तरीके से एग्रेसिव था पूरा, जो दुनिया में अभी 3-4 साल पहले कह रहा था कि हमसे बड़ा कोई ताकत नहीं है दुनिया में, अमेरिका ने उसे सबक सिखा दिया है। और सबक ऐसा सिखाया कि चीन तिलमिला रहा है और कर नहीं सकता कुछ। सबसे बड़ी बात है कि चीन कुछ कर नहीं सकता और अमेरिका के प्रतिबंध यानी कि बहुत हार्ड हिट होंगे ये चाइना पर। और दुनिया भर में हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि अब दुनिया भर के जो और देश हैं, जो और शक्तियां हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, ये भी अब जा एक तरीके से आगे बढ़ेंगी अमेरिका के साथ, ये भी प्रतिबंध लगाती हैं, क्योंकि अमेरिका कभी भी अकेला नहीं चलता, उसके साथ 27-28 उसके जो सहयोगी देश हैं वो एक साथ किसी भी देश पर धावा बोलते हैं, तो चाइना की तो हवा निकलनी तय है दोस्तों। हालांकि अभी देखना होगा कि जो ऊपरी सदन है अमेरिका का वो उसे कैसे पास करता है, क्योंकि वहाँ पर हालांकि आपको बता दूं किस हिसाब से सिर्फ एक वोट विरोध में गया, बाकी टोटल सब ने जो रिपब्लिकन्स हैं या फिर डेमोक्रेट्स हैं सब ने इसे पास किया। उम्मीद पूरी पूरी है कि ऊपरी सदन भी इसे पास कर देगा, क्योंकि वहाँ पर भी दोनों यही पार्टियाँ हैं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का देखना होगा कि वो साइन करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि साइन कर देंगे, क्योंकि उन्हें हांगकांग बिल पर भी साइन कर दिया था, तो इस पर भी साइन कर देंगे। भारत को बेनिफिट कैसे होने वाला है, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा व्यापार में। अब चीन में अस्थिरता बढ़ेगी, वहाँ पर कंपनियों को एक तरीके से स्थिर माहौल नहीं मिलेगा, तो कंपनियाँ भारत की साइड आना तय है। मैं आपको जल्दी एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें मैं अभी पिछले एक साल में जितनी चाइनीज़ कंपनियाँ भारत शिफ्ट हुई हैं, मतलब कि दुनिया भर की जो कंपनियाँ जो चीन में काम करती थी, चीन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, वो भारत में शिफ्ट हुई हैं, उनकी भी लिस्ट बनाकर दूंगा मैं आपको, मतलब कि जितनी हालांकि कंपनी बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन है उन्हें बता दूँ, जैसे कि एप्पल, सेलकॉम, इस तरह की कंपनियों के नाम आपको बता दूंगा। और ये ना बहुत ही बड़ी खबर है, इसे आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक तो करना भूलना ही मत, और कमेंट करके बताना आपको न्यूज़ कैसी लगी, सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको शायद तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मैं आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी एनालिसिस वीडियो लेके आता रहूँगा डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने में। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।